अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मुगलाई अंडा पराठा। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। आटा गूंदने के लिए मैंने 1 कप मैदे का आटा ली हूँ। इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को गूंद लेंगे। जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं, सेम उसी तरह हमें आटा गूंदना है। देखिए आटा गूंदकर हो चुका है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और साइड में सब जगह पर लगाकर इसको रख देंगे। पराठे के अंदर भरने के लिए देखिए मैंने 2 अंडे ली हूँ। अभी मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच काली मिरी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से और लास्ट में हम डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर। अभी हम अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए अंडा अच्छे से फेंट कर हो चुका है। अब हम पराठा बनाने की तैयारी करेंगे। अभी हम आटे को अच्छे से मसल कर ले लेंगे। आटा अच्छे से मसलने के बाद अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। देखिए पेड़ा बनाकर हो चुका है। अब हम इसको बेलेंगे। हमें रोटी के जैसा ही बड़ी बेलना है। रोटी देखिए बेलकर हो चुका है, पतली रोटी। अब हम इसमें अंडा रखने से पहले गैस के ऊपर तेल रखेंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तेल गर्म होने तक के अब हम पराठे में अंडा भर लेंगे। पराठे में अंडा डालने से पहले तेल इसके लिए हमें रखना है गर्म होने के लिए, ताकि हमारा पराठा टूट ना जाए। अब हम इसके ऊपर अंडा डाल देंगे। अभी हम इसको इस साइड से फोल्ड करेंगे, फिर इस साइड से करेंगे, फिर यहाँ से। अब हम इसको ताबड़तोब उठाकर पैन में रख देंगे। और हम इसे बारीक आंच पे ही सेकेंगे, ताकि अंदर का अंडा भी पक जाए और ऊपर से भी अच्छे से लाल हो जाए। अभी हम इसको पलट लेंगे। इस तरफ से भी हम इसको लाल होने देंगे बारीक आंच पर ही। देखिए अभी हम इसको फिर से एक बार पलट लेंगे। देखिए दूसरे साइड भी अच्छे से लाल हो चुका है। अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अंडा भी देखिए हमारा पक चुका है। इसी तरह अब हम दूसरा पराठा भी बेल लेंगे। देखिए दूसरी रोटी भी बेलकर हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा फैला लेंगे और हम इसके ऊपर फिर से अंडा डालेंगे। यहाँ से एक बार फोल्ड, यहाँ से। अभी हम इसको तवे पे डाल देंगे। देखिए गैस मैंने बंद करके रखी थी, क्योंकि तेल हमारा गर्म था। अभी मैं गैस को चालू कर दूंगी। देखिए पराठा नीचे से लाल हो चुका है। अब हम इसको भी पलट लेंगे। देखिए दोनों साइड से लाल हो चुके हैं। अभी हम इसको भी निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे पराठे बनाकर ले लेंगे। देखिए पराठा हमारा सब बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ ये कैसे बना है।
देखिए अंडा भी अच्छे से पक चुका है और हमारा पराठा भी अच्छे से पक चुका है। माशाल्लाह मुगलाई अंडा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना मुगलाई अंडा पराठा कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।